वाले हैं गाइस, दौड़ के जाने वाले हैं, हम पीछे हो गए हैं वीडियो के चक्कर में। अंकल जी को प्रेम करो तो प्रकृति भी आपको प्रेम करती है जी, है ना? हाँ, अंकल नेचर से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, नहीं प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। हाँ, यही से तो मतलब आपका और हमारा सब कुछ चलता है ना। हाँ, यही तो जीवन देते हैं। हाँ, ये देखिए अंकल जी को, अंकल जी को देखिए, रिस्क ले रहे हैं, फालतू को रिस्क ले रहे हैं बच्चे के साथ। हम कहाँ आ चुके हैं गाइस, गैस कीजिए। चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आगे का व्यू दिखा देता हूँ। ओके, अब गैस कीजिए, थोड़ा बहुत थोड़ी हिंट दे दी है मैंने, आगे वीडियो में आपको मिल जाएगा हम कहाँ आ चुके हैं। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में बताइए कि हम कहाँ पर आए हैं अभी। वैसे आ तो गए थे हम रात में, लेकिन अभी सुबह से हम ब्लॉग बनाना चालू किया है। ओके, देखो तो गैस कर लीजिए कि हम कहाँ आ गए हैं। थोड़ा बहुत हिंट दे दिया मैंने, देखिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। हाँ, अब आपको आ गया समझ में कहाँ पर आ गए हैं, तो अब हम अंदर ले चलते हैं। लो, अंदर जाने के पहले देख लो, अब आ गया पता, कुंडलपुर आ चुके हैं हम लोग, है ना? ये पार्किंग लॉट है, हम लोग भी रुके हैं, लेकिन हम बाद में बताने वाले हैं। अब अंदर क्या आप देखो कहाँ जाने वाले हैं, ये है मेन गेट, आओ इसके अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद आपको मिलता है ये मानसतंभ। क्या व्यू आ रहा है भाई, मेरे पास मोबाइल अच्छा नहीं है तो ये व्यू थोड़ा सही नहीं आ रहा है मेरे मोबाइल में। ये देखिए बड़े बाबा मंदिर, देखिए क्या मस्त व्यू है। ओके, आपको पहले भी बोला है, पहली नैनागिर वाली वीडियो में भी, कि हम आपको कभी भगवान जी के दर्शन कराएंगे नहीं, आप खुद आइए भगवान जी के दर्शन कीजिए, है ना? क्योंकि अगर आप खुद से पुण्य नहीं कमाओगे तो आपको पुण्य मिलेगा कहाँ से। आप आओ और खुद दर्शन करो और पुण्य कमाओ। कर दी है गाइस वंदना करना स्टार्ट, अब हम जाएंगे अपने, ये देखिए गाइस हमारे जैन धर्म की, आप सीधी जो भी हो आप इसको गेम समझ के खेलिए, जैन धर्म की है, आप समझिए हमारा जैन धर्म है, प्राउड टू बी जैन। अंदर चलते हैं, अब बंधना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जल मंदिर वहाँ पे है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जल मंदिर, हमारे कुंडलपुर का जल मंदिर दिख रहा होगा आपको शायद। देखिए हमारा जल मंदिर है, ये तालाब है, यहाँ पे बहुत सारी मछली है, मछली रानी है अपने पास। ये क्या सीन आ रहा है अभी बादल का, ये फोटो खिंच रहा है अभी। तो हम थोड़ा वेट कर रहे हैं और हम अब जाने वाले हैं ऊपर, पहाड़ चढ़ेंगे और क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। चलो यहाँ पर मैं देखते हैं अंदर क्या है, ये तो क्या होगा मुझे नहीं पता है। ये क्या शानदार पेड़ लगे हैं भाई, कितनी मस्त डिज़ाइन है, देखिए गाइस क्या मस्त डिज़ाइन है पेड़ों की, देखिए नहीं ये पेड़, देखिए पेड़ क्या मस्त पेड़ है, सेटिंग है इनकी। आने वाले हैं दर्श, अरे क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते गाइस, क्या बोलते हैं इसको, हाँ वंदना के लिए जाने वाले हैं। धार्मिक ब्लॉगर, हाँ मैं धार्मिक ब्लॉगर हूँ आपको भी पता है। अब हम जाने वाले हैं कहाँ, कहाँ जाने वाले हैं, बंदना के लिए, चलिए आइए, लेकिन मैं आपको दर्शन नहीं कराऊँगा, आप खुद आइए दर्शन कीजिए पुण्य कमाइए, मैं सिर्फ आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ से जाएंगे कुंडलपुर में, कहाँ कहाँ से जाना है आपको। ओके गाइज चलो आओ, आगे आगे मिलते हैं। यहाँ पर क्या बगीचा है, ये क्या पौधे की डिज़ाइन बना रखे हैं यहाँ पर, आप देखिए ये हमारा जल मंदिर, ये बड़े बाबा का मंदिर का शिखर दिख रहा है, और ये देखिए क्या व्यू आ रहा है। ओके गाइस नंबर वन में, तो आप आइए दर्शन कीजिए और बताइए कमेंट में आप आए हो या नहीं आए हो। ऊपर पहाड़ की ओर आइए, हमारे साथ चलिए पहाड़ की ओर। ओके, यहाँ पर देखिए गाइस लिप्टस के पेड़ लगे हैं,
ओ भाई, ये कौन सा फूल है? पता नहीं यो भी बहुत अच्छा फूल है अपन शायद, को क्या। पता नहीं, पता लगा के बता दी कमेंट में। हाँ, जिन लोगों को पता हो गाइस तो वो बताएं ये किस चीज़ की पत्ती है और ये किस चीज़ का फूल है। ओके गाइस, कमेंट में। चलते हैं कहाँ? अब हम जा रहे हैं पहाड़ पर। आप देखिए आगे रोड है गाइस। ओके गाइस, हम आगे मिलते हैं क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाएंगे नहीं, और आपको कम वीडियो में पूरा सार बताएंगे यहाँ पर क्या क्या है। दूसरे मंदिर, दूसरा मंदिर यहाँ पे लिखा है क्या? आगे आके आप खुद पढ़ लीजिए। गौशाला, हमारे कुंडलपुर की गौशाला देखिए गाइस कितनी बड़ी है। अंदर हम अभी ले नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी उतना टाइम नहीं है, हमें अभिषेक भी करना है भगवान जी का। देखिए ओके, नंबर टू में आइए और दर्शन कीजिए, हम आपको कराने वाले हैं नहीं, इसलिए। ये पेड़ है गाइस, ये गौशाला की गाय हैं, गौशाला में गाय हैं, गाय। चलो आओ आगे चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी हमें, इसलिए जल्दी जल्दी आओ। दो मंदिर हमने आपको दिखा दिए, आप जाइए आइए दर्शन कीजिए, पुण्य कमाइए। ओके, अब जाएंगे हम ऊपर तो वीडियो बनाएंगे नहीं, थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा सीढ़ी है, तो चलते हैं ऊपर। ओके, आंटी जा रही हैं, वो रील्स बनाती हैं, बहुत मस्त रील्स बनाती हैं गाइस। हाँ, और हम लोग को भी बनाते हैं, बहुत मस्त रील बनाते हैं गाइस। उनकी आइडिया बस मिल जाए, अपन मेंशन करेंगे, टैग करेंगे उन आंटी को। चलो आओ गाइस, ऊपर मिलते हैं हम आपको। अब मेरे मोबाइल हाथ से छूटने वाला था। ओके गाइस, देखो ये गाइस व्यू, बड़े बाबा मंदिर, गौशाला व्यू। ओके, अब आप बहुत ऊपर चलना है अपन को, चलते हैं पहाड़ पर। देख चुके हैं क्या व्यू आ रहा है नीचे का, थक गए हैं अभी ऊपर आने में, मोबाइल ऊपर आ गया था, मैं नीचे रह गया था फ़ोटो के चक्कर में, तो दौड़ के आया, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, सांस ले लूँ आराम से, उसके बाद बताऊँगा आगे क्या होगा। दर्शन तो कराने वाले हैं नहीं, आइए और ख़ुद दर्शन कीजिए, है ना, बस गाइड कर रहा हूँ, आइए ऐसे ऐसे आइए, इस जगह से आइए, नहीं तो भटक जाएं आप, है ना। इस वीडियो को ज़रूर आना देख के, और यहाँ पर आकर भी एक बार ज़रूर देखना कि कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ पर। कैमरा क्वालिटी बेकार है बस। हाँ, पादिका के बाहर हम जाने वाले हैं, जय हो, आओ लग गए गाइस। चलो भगवान जी बाहर आगे की वंदना के लिए, यहाँ पर ढलान है तो देखिए ढलान है, और ये मंदिर है, हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी और आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे, मतलब दर्शन तो नहीं कराने वाले, आप खुद आइए, आ जाइए और दर्शन कर लीजिए। आप जब तक खुद नहीं आएंगे तो आपको पुण्य भी नहीं मिलेगा, है ना। तो चलो गाइस, अब हम आगे और जगह पहुंच के वीडियो बनाते हैं। एक तो ऊपर से नीचे आया, देखिए बहुत ऊपर से नीचे आया हूँ, फिर अब फिर से ऊपर चढ़ना है, बहुत थक चुका हूँ वीडियो के चक्कर में, इतना ऊपर अभी चढ़ना है, और इतने ऊपर से आया हूँ, बहुत ऊपर से आया हूँ, थक गया गाइस, वीडियो के चक्कर में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत चढ़ना है, वीडियो भी बनानी है आप लोगों के लिए, है ना, सपोर्ट कर देना, एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर करके जाना, इस वीडियो को देख रहे हो आप तो, और अगर नहीं देखा तो भी एक लाइक ज़रूर कर देना, है ना। बाय गाइस, अब हम आगे दर्शन करने के बाद मिलते हैं, जनाले पहुंच गए हैं, आप भी आइए जल्दी और दर्शन कीजिए। ओके गाइस, अब हम मंदिर के उस साइड जाके वीडियो बनाएंगे बाहर, अब फिर से ऊपर चढ़ना है, देखिए गाइस उतना उतरे, फिर ऊपर चढ़े, फिर ऊपर चढ़ना है, तो आप बताइए थक गए आप लोग के चक्कर में गाइस। ओके गाइस, सपोर्ट कर देना, है ना, इतना ऊपर भी चढ़ना है, अभी चढ़ते चलो, और कुछ नहीं, पुण्य कमाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो चलो चलो, बड़े बाबा ने बुलाया है तो आए हैं, वरना हाँ वरना नहीं आ पाते गाइस।
आप लोग भी सपोर्ट कर देना जिससे कि हम हर महीने आ सकें। हाँ, आप लोग सपोर्ट कर देना कि हम हर महीने आ सके बड़े बाबा के पास। हाँ, और आप लोग को ऐसा कंटेंट दें कि आप देखते रहें, और सपोर्ट भी कर देना और घर बैठ के वंदना करें। लेकिन मैं दर्शन नहीं कराने वाला, जब तक आप नहीं आओगे जब तक दर्शन नहीं करोगे। ओके, ऐसी वंदना कराऊंगा, आप लोग याद रखोगे कि अंश भाई ने वंदना कराई है। आ चुके हैं आप लोग के सपोर्ट से, और अब हम जाने वाले हैं एक और मंदिर। देखिए पीछे का व्यू, क्या फील्ड है। ओके गाइस, आइए गाइस, आप भी आइए, बहुत जल्द आइए, और भगवान जी हमें हर महीने बुलाते रहें, है ना। चलो थोड़ा रेस्ट करने के लिए सोचते हैं, कर लें, चलो कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे आगे वीडियो बनाएंगे और दर्शन करेंगे। नेक्स्ट एक और मंदिर है, और बादल हो रखे हैं और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है गाइस, देखिए। चलो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा मंदिर आने वाला है। ये रोड मस्त है, क्योंकि ये फर्सी वाली रोड है, यहाँ पे ना कांटे हैं ना कुछ है। आप ज़रूर आइए गाइस, एक बार ज़रूर आइए, और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर दीजिए, और सपोर्ट करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वाले हैं गाइस, दौड़ के जाने वाले हैं, हम पीछे हो गए हैं वीडियो के चक्कर में। देखिए गाइस बहुत पीछे हो गए हैं, दौड़ के जाने वाले हैं, थक जाएंगे, है ना गाइस। एक और मंदिर आ चुका है, ये रास्ता कहीं जाता है, आप जाके देख लेना, हम अभी नहीं जाएंगे नीचे, अभी तो हमें दर्शन करना है, अभिषेक करना है भगवान जी का, उसके बाद देखेंगे ये मंदिर, इसके बाद भी, इसके बाद सीधा बड़े बाबा, है ना। चलो आप आइए, ज़रूर आइए गाइस, सपोर्ट करना ना भूलें, है ना। इस मंदिर के बाद अब आने वाले हैं बड़े बाबा जी के मंदिर में। हाँ, पहले एक और मंदिर आएगा, उसके बाद हम बड़े बाबा के मंदिर आ चुके हैं, जस्ट थोड़ा सा और रह गया बड़े बाबा के पास जाने को, बस थोड़ा दूर और फिर बड़े बाबा। देखिए गाइस बड़े बाबा आ चुके हैं हम, क्या व्यू है। ओके गाइस, चलो अब आगे एक मंदिर और रह गया, उसके बाद बड़े बाबा, है ना। अभिषेक होने वाला है स्टार्ट हमारा, हमें अभिषेक मिलता है या नहीं मिलता देखते हैं। अभिषेक तो करना है भाई को अभिषेक। हाँ, अपन शुद्ध बुंदेलखंडी बोलते हैं, है ना, यही से थोड़ी हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होता है। अब हम बुंदेलखंडी बोल रहे हैं गाइस, थोड़ा कंटेंट में चेंज आएगा, और यहाँ पर हमारे बाल उड़ रहे हैं, वो क्या हवा है। ओके चलो आओ गाइस, हम आगे देखते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद बड़े बाबा के पास पहुंचते हैं। पहाड़ के ऊपर के मतलब लास्ट मंदिर में आ गए हैं, उसके बाद बड़े बाबा के पास पहुंच चुके हैं, मतलब बड़े बाबा के पास वाला लास्ट, उसके बाद बड़े बाबा के पास पहुंच जाएंगे हम। आप बड़े बाबा के हम जस्ट बहुत करीब आ चुके हैं, देखिए गाइस ये हमारे बड़े बाबा आपने बुलाया, हम आ गए हैं आपके आशीर्वाद से। आप लोग को भी आना चाहिए यहाँ पे कुंडलपुर, और आइए बहुत जल्दी आइए। आई होप कि ये वीडियो मेरी थोड़ी बहुत ट्रेंडिंग में जाएगी, है ना। ट्रेंडिंग में नहीं जाए तो कम से कम 1000 व्यूज़ तो आ ही जाएँ, है ना। ओके, यहाँ से हम नीचे उतरने वाले हैं, देखिए गाइस क्या व्यू है बड़े बाबा का, साक्षात कितना मस्त मंदिर आ रहे हैं। ये है और मंदिर, ये वो मंदिर, ये जो मंदिर अभी हम निकल लिया वहाँ पे। देखिए कितनी सारी गाड़ी आई हैं, आज संडे है गाइस, इसलिए बहुत भीड़ होने वाली है यहाँ पे, है ना। बाबा के पास फिर हम पहनेंगे धोती, है ना। ओके, बड़े बाबा के बहुत नज़दीक बड़े बाबा ने बुलाया और हम आ गए हैं, है ना। अब नीचे उतरना बाकी है, बस बाकी सब ठीक है ना, ठीक है। ओके गाइस, अब हम मिलते हैं आपको बड़े बाबा के पास। यहाँ पे क्रैक आ चुका है गाइस, क्या मालूम क्या हुआ यहाँ पे, बहुत बेकार क्रैक आया है। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब मैं पहुँचूँ बड़े बाबा के पास, अभी उसे खोने वाला है स्टार्ट।
ओके बाबा के पास आ चुके हैं हम, है ना गाइस। ये अभी भी काम लगा हुआ है, लोग काम कर रहे हैं, लेबर्स लगे हुए हैं, काम हो जाए उसके बाद हम फिर से आएंगे। अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास जिसमें हमारा सामान रखा है, मतलब धोती दुपट्टे रखे हैं। अब मेरे को गाड़ी ढूंढनी है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, है ना, गाड़ियाँ खड़ी हैं और मुझे अपनी गाड़ी ढूंढनी है, कहाँ पे है मेरी गाड़ी। हाँ, उसमें सामान रखा है, मतलब धोती दुपट्टे रखे हैं। चलो, गाड़ी तो मिल गई है, हम देखते हैं सामान है कि नहीं। उन्हें अभी से कर लिया है, एक घंटे बाद हम आ चुके हैं ये धोती पहन के अभिषेक करके। और अब हमने पूजन नहीं की थी क्योंकि पूजन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और मेरे को आज बहुत घूमना भी है। हाँ चलो गाइज, हम आपको आगे वीडियो बताते हैं। मैं अभिषेक करने का मज़ा ही कुछ अलग है, जो यहाँ पे जितना सुकून शांति और जितना अच्छा लगता है यहाँ पर आके, उतना अच्छा कहीं पर नहीं लगता है। कुंडलपुर का नज़ारा ही कुछ ऐसा है, और मतलब हमारे बड़े बाबा, उनको मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ और इसलिए ये ब्लॉग डाल रहा हूँ। और इस ब्लॉग पर अगर मेरे 1K व्यूज़ आ गए ना, तो पक्का बड़े बाबा के पास एक और बार आऊँगा, पक्का आऊँगा। भले थोड़ा लेट आऊँ लेकिन एक और बार आऊँगा और इससे अच्छा ब्लॉग बनाऊँगा, है ना। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो गाइज पक्का आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ जाऊँगा। थैंक यू गाइज। और आगे भी हम पूरी बंदना डाल रहे हैं आगे, और देखिए गाइज अभी बहुत सारी बंदना करना बाकी है, तो आप इस वीडियो में बने रहें। आ रहे हैं अब आगे की और बंदना करने, चलिए आप भी हमारे साथ बने रहिए। चलो गाइज अब हम आगे देखते हैं, बहुत भीड़ हो रखी है यहाँ पे, बहुत, आज संडे है तो बहुत भीड़ है, अभी तो बहुत कम हो गई है, वैसे बहुत भीड़ है। आप भी आइए, छुट्टी के दिन आइए, बहुत मज़ा आता है। पर जा रहे हैं गाइस ऊपर, आओ गाइस हम घूम तो रहे हैं लेकिन थक जाएंगे। गाइस अब हम ऊपर जाएंगे थोड़ा और, यह है बड़े बाबा का मंदिर जो हम कर चुके हैं, आपको नहीं ले गए थे अंदर, आप आइए और आप खुद जाइए, खुद आशीर्वाद लीजिए बड़े बाबा से। और आप आओ तो अभिषेक करके जाए, मतलब अगर आप आओ तो अभिषेक किए बिना मत जाना, अभिषेक करके ही जाना, बहुत शानदार अभिषेक होता है यहाँ पर। आ चुके हैं, ये देखिए गाइस आ चुके हैं इस मंदिर में, एक 20 नंबर मंदिर है, आप आइए दर्शन कीजिए। मंदिर के बाद आपको इतना अच्छा बगीचा मिलेगा जहाँ पे आप अपनी फ़ोटो वीडियो रील्स वगैरह सब बना सकते हैं, बहुत अच्छा बैकग्राउंड आएगा आपको यहाँ पे, इतना अच्छा बैकग्राउंड है। और अगर आपका मौसम बहुत अच्छा हो, अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम 11 बज रहे हैं, तो इतना अच्छा मौसम हो रखा है, बादल हो रखे हैं और हवा भी चल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना धूप में मत आइएगा, बहुत बेकार धूप हो जाती है इतने टाइम। ये देखो क्या लोकेशन है, लोकेशन क्या, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आराम से चलते चलो, ये वीडियो भी छोटी बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। ये हमें अंकल जी मिल गए हैं, अंकल जी फिर से फन कीजिए, अंकल जी बहुत को प्रेम करो तो प्रकृति भी आपको प्रेम करती है जी, है ना। हाँ अंकल नेचर से बहुत प्यार करते हैं। हाँ नहीं, प्रकृति से प्रेम होना चाहिए। हाँ यही से तो मतलब आपका और हमारा सब कुछ चलता है ना। हाँ। यही तो जीवन देते हैं। हाँ ऐसे प्यार करो, ऐसे गुदगुदी भी कर सकते हैं इसके। हाँ। आ जाओ समझे, प्रेम करो। हाँ ये फलदार वृक्ष है, सीताफल। हाँ। सीताफल का पेड़ है ये क्षेत्र में। हाँ जी, हमें एक अंकल मिले गाइस जो नेचर से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं गाइस, अंकल को सैल्यूट करता हूँ मैं। सीताफल जो अभी पेड़ पर लगा है, पक गया है? नहीं पका, अभी कच्चा है।
अपने जैसे कच्चे नहीं 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 वो ऐसे नहीं टोड़े, जब पक जाएगा जब टोड़ेंगे। गाइस अब नीचे ढलान है, अब हम उतरेंगे, फिर बाद में फिर से चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, सिर्फ घूमो। आज का दिन जो हमारे दो दिन का टारगेट लिया था ना, तो उनमें से एक दिन कंप्लीट होने वाला है। आज शाम को शायद घर पहुंच जाएं, क्लियर नहीं है। गाइस धूप निकल चुकी है, अभी नेचर बहुत अच्छा था, अब गर्मी लगने लगी है। देखिए गाइस कितनी तेज़ धूप आ रही है। पर हम लोग रोड पर आ चुके हैं, अब नेक्स्ट मंदिर के लिए जाना है, लेकिन बहुत तेज़ धूप आ गई है अचानक से। अभी इतना अच्छा माहौल था। ये आ गए हैं एक और मंदिर, कौन सा मंदिर है ये नहीं पता। देखो क्या पौधे हैं, 21 नंबर मंदिर में आ चुके हैं हम। आप आइए और दर्शन कीजिए, हम नहीं करा रहे हैं आपको दर्शन। ये क्या कटिंग की है इन लोगों ने, बहुत मेहनत लगती होगी ना, इतनी अच्छी डिजाइन बनाते हैं। ये पत्थर पर कलाकृति की है। देखिए गाइस, गाइस शायद यहाँ से उतरना पड़ेगा, जीने ही नहीं है, कूदो चलो गाइस। ये कूद गए गाइस, देखिए पत्थर पर कलाकृति की है, इतने अच्छे आर्टिस्ट होंगे जिनने बनाई है। ये माता जी महाराज जी का पिछी कमंडल होता है, वो बनाया है। आप आइए आपको भी मिलेगा, जल्दी आइए। जाएंगे गाइस, आपको गाइड कर रहा हूँ, इसलिए आप आना ज़रूर, एक बार ज़रूर आना। क्या जंगल है गाइस, यहाँ पे देखो इतना मस्त रोड बनाया है। पहले यहाँ पे मिट्टी डली होगी, फिर इन्हें फर्श सेट की, कितनी मेहनत की होगी। चलते चलो गाइस, जब लास्ट टाइम आए थे मार्च में तब और मज़ा आया। ये ट्रैक्टर जा रहा था, इसलिए बाजू में रोड है, यहाँ बाजू में हम लोग पैदल जा सकते हैं, यहाँ से नहीं जा सकती कोई कार या बाइक। दर्शन आप आके कर लेना। इस चीज़ को नोटिस कीजिए, ये है ड्रिप सिस्टम, एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत फ़ायदा है। ये शायद हमने अपनी साइंस की बुक में भी पढ़ा है, याद नहीं है, हम पढ़ते ही नहीं हैं क्योंकि कहाँ से याद रखें। इरीगेशन, हाँ ड्रिप इरीगेशन या जो भी हो, इतना पता है कि साइंस की बुक में पढ़ा है, साइंस की बुक में पढ़ा है। गाइस ये क्या है, आप देखिए बताइए कमेंट में, ये कौन सी चीज़ है। गाइस एक और मंदिर आ चुका है, आइए और दर्शन कीजिए, है ना। आपको पता है मैं तो कराऊंगा नहीं दर्शन। एक और मंदिर आ चुका है गाइस, 24 नंबर मंदिर है, आइए दर्शन कीजिए, लेकिन हम नहीं कराएंगे। बाहर आ चुके हैं गाइस, आप आइए और दर्शन कीजिए, मेरे पुण्य से आप पुण्य लोगे तो मेरे पास पुण्य नहीं बचेगा। हाँ मैं अपने लिए पुण्य कमा रहा हूँ, आप अपने लिए पुण्य कमाइए, मैं तो सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ वीडियो के हिसाब से। इंसान एक ऐसा गेट या जो भी हो, क्या बोलें इसको, जो भी बोलें, एक ऐसी चीज़ मिलेगी, इसमें अगर लाइट फिटिंग और कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। गाइज एक और मंदिर आ चुका है, पानी पीने तो मैं की बॉटल खुलवाई है और मैं पानी पी के अंदर जाऊंगा मंदिर के। ओके नंबर मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान जी का है। देखिए क्या व्यू है भाई, ये क्षेत्रपाल जी हैं, आप जयजनन कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग ऊपर गए थे गाइज, यहाँ से हम लोग ऊपर गए थे। वीडियो थोड़ी बेकार आ रही होगी क्योंकि कैमरा बेकार है मेरा बहुत। अभी हम यहाँ से नीचे उतरने वाले हैं, चलो आप पार्श्वनाथ मंदिर चलें, दर्शन तो कर ही लें। आए हम नीचे जा रहे हैं, चलो नीचे चलते हैं। देखिए क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, देखो गाइस यहाँ पे नीचे है,
ये और मंदिर बचे हैं अभी, कुछ मंदिर करके हम ये ब्लॉग एंड कर देंगे। खाना नहीं दिखाएंगे आपको, आप लोग कैसे खाओगे, फिर बोलोगे भाई अकेली अकेली खा लिए। इधर आ चुके हैं हम, है ना, चलो आओ आओ गाइस, थोड़े जीने चलें, चढ़ें चढ़ें चढ़ें, आइए आप दर्शन करके ही आ गाइस। अब हम और मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, है ना। देखिए बड़े बाबा, कैमरा भली बेकार है, आप लोग के सपोर्ट से शायद इस साल नया मोबाइल या नया कैमरा आ जाए। गाइज यहाँ से हम नीचे जाएंगे, एक और मंदिर आ चुका है, फिर यहाँ से नीचे जाएंगे, क्या पता। गाइज एक और मंदिर आ गए, जाइए हम नीचे जा रहे गाइज। भैया हम बुंदेलखंडी बोल रहे हैं क्या? हाँ गाइज हम बुंदेलखंडी बोल रहे हैं। गाइज अब हम नीचे जा रहे हैं, चलने हो तो चलो, है ना, आओ गाइज आओ नीचे चलें, फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर ऊपर चलो चलो भाई जल्दी। गाइज आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट कर देना, है ना। तो हेलो दोस्तों, एक और मंदिर आ चुके हैं हम, आपके लिए दर्शन नहीं कराएंगे, फिर से नीचे जाएंगे, अभी ऊपर चढ़ो फिर नीचे जाओ, इसलिए अब फिर से नीचे आओ, और मंदिर बाकी रह गए हैं। चलो आए हैं तो पूरी वंदना करके ही जाएंगे। ये पेड़ देखिए गाइस, कितना मस्त पेड़ है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, धूप भी जा चुकी है। देखिए गाइस, गाइस नोटिस किया है ये क्या है, आप कमेंट में बताइए। और गाइस अब हम फिर से मंदिरों की एरिया में आ गए हैं, तो अब दूसरे एरिया में जाके वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे ऊपर नीचे होते रहो बस, है ना। से आ चुके हैं एक और मंदिर, है ना, ये हाथी दादा बैठे हैं ऊपर, जाएंगे अभी ऊपर गए थे फिर अब नीचे आओ, है ना, सिर्फ यही करना है अपन को। हम लोग ऊपर से नीचे आए तो देखो क्या देखा हमने, यहाँ पे पूरे में कबाड़ा रखा हुआ है, कबाड़ा, और यहाँ पर देखिए ये गाय है, हमारी गऊ माताएं हैं, और ये कोई गेट है, ये जो टोल गेट तो लग नहीं रहा है, पुराना रास्ता बंद है यहाँ पे लिखा है, है ना। तो चलो आओ गाइस हम यहाँ पे जाएं, ये घूमो घूमो गाइस, आगे 48 नंबर में, और ये कीर्ति स्तंभ है, ये बागीचा है, बागीचा यहाँ पे फिर एक डिजाइन मिली है, बनी हुई गार्डन है, डिज़ाइन से बना हुआ गार्डन है। ओके अंदर जाने वाले हैं, देखिए गाइस ख़त्म कर दिए चावल, बहुत सुंदर, नहीं हमारे लिए मछलियों को चाहिए था। हाँ गाइस बहुत बड़ी मछली है यहाँ पे, ये देखिए अंकल जी को, अंकल जी को देखिए रिस्क ले रहे हैं, फालतू को रिस्क ले रहे हैं बच्चे के साथ। ये दर्शन करके हम बाहर से वापस आ रहे हैं, दूसरे मंदिर की साइड जा रहे हैं। गाइस आप देखिए क्या नज़ारा है, अब गेट के बाहर आ गए गाइस, फिर से एक गार्डन है, देखिए गाइस कितनी कितने मेहनत करके बनाया होगा, इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन है,
लेकिन मैं अभी नहीं दिखा पा रहा क्योंकि हमें अभी दूसरे तीर्थ भी जाने हैं, खाना भी खाना है और ये कुंडलपुर का ब्लॉग भी एडिट करना है। मंदिर हैं, अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको वीडियो नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम ये ब्लॉग अब यहीं पे एंड करने वाले हैं। जो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा वंदना हो गई, मतलब हमारी पूरी वंदना हो चुकी है एंड, और अब सिर्फ ये मंदिर के दर्शन रह गए हैं। आप आएंगे, आप खुद दर्शन कर लीजिएगा।